नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। बिहार में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां जो है कमर कस चुकी हैं। जोर शोर से चुनाव प्रसार चल रहा है और तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें सिमरी बख्तियारपुर की हैं। वहाँ पर जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी जो है अपने कैंडिडेट दिनेश निषाद के लिए वोट मांगने पहुँचे हैं और दिनेश निषाद के लिए वोट मांगते हुए मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुने। करने के लिए आए हैं कि आप लोग इनको मदद करें, इनको जिताएं और सिर्फ 8-9 महीने का मौका दें ताकि आपको ये बता दें कि विकास क्या चीज होता है। आज तक 35-40 साल से एक ही लोग कभी विधायक बनते हैं, कभी मंत्री बनते हैं, कभी सांसद बनते हैं, लेकिन आप लोगों को क्षेत्र में विकास क्या हो रहा है। आज नीतीश जी कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा सरकार बहुत अच्छा है, लेकिन आज देखिए, आज हम लोग इस खास करके कोसी में, सहरसा में सरकार के आदमी से ही डरते हैं, सरकार के नेता से डरते हैं, सरकार के विधायक से डरते हैं, ऐसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए साथियों, आज बिहार में खास करके कोसी में किसी का भी हत्या करा देना ये नॉर्मल सी बात है। जहाँ कोई अगर नेता थोड़ा सा भी अगर अपने नेतागिरी करने के लिए अगर कुर्ता पैजामा पहन ले कोसी में, ये बड़े बड़े नेता जो पहले से नेता बना हुआ है वो उसको देखना नहीं चाहता, उनकी हत्या करा देता है। और हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है हाल फिलहाल में कितना इधर अभी हाल फिलहाल का हत्या हुआ। इसके लिए आपको जब तक पुराने नेता को जड़ से नहीं उखाड़िएगा तब तक ये समस्या दूर नहीं होगा साथियों। इसलिए पुराने नेता को आप हटाइए, नए नेता को लाइए, वो नया नेता आपके हक अधिकार के लिए आपके सामने में खड़ा होगा, जब जो चाहिएगा वो करेगा। पुराना नेता के सामने में आप डर से कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, उसका ताकत आप लोग उसको जिता के भेज देते हैं, वही ताकत है। इस बार उसको हरा दीजिए ताकि उस नेता को पता चल जाए और उसके मुखिया नीतीश कुमार को पता चल जाए कि हमारा विकास और हम लोग शायद सही से नहीं काम कर रहे, इसलिए हमें ये लोगों ने भगा दिया। इसलिए आज हमारे प्रत्याशी जो दिनेश निषाद जी हैं, इन्होंने घोषणा किया कि हमको जितना भी तनख्वाह मिलेगा उसका आधा हिस्सा हम गरीब में बांट देंगे, चाहे बच्चे को पढ़ाने लिखाने, किसी का इलाज करना हो, किसी माता बहन के दवा के लिए हो, उनके लिए खर्च करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सिर्फ 9 महीने के लिए आप हमारे दिनेश जी को मौका दीजिए। बहुत तो वीआईपी कैंडिडेट दिनेश निषाद के लिए वोट मांग रहे हैं मुकेश सहनी और ये बात कह रहे हैं कि जो आपके पुराने नेता थे, जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो आपके पुराने नेता थे उनको जड़ से उखाड़ फेंकना है, पैच। तो ये थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, ये अपने कैंडिडेट दिनेश निषाद के लिए वोट मांग रहे हैं और जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो पुराने नेता थे आपके उनको जड़ से उखाड़ फेंकना है क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ काम नहीं किया, हमें एक बार मौका जरूर दीजिए। जो 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए, उसके लिए हर राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो कमर कस चुकी हैं और जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।